कराची के इलाके साइडेरिया की फैक्ट्री में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से हलाकतों की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री मालिक समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैक्ट्री में राशन और जकात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से बच्चों और खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए थे। उन्नीस सौ नब्बे से 2023 तक दोषाखाना से तहाइफ वसूली की तफसीला फराहमी का मामला अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से तफसीला फराहमी के लिए सदर और वजीर आजम को खत भिजवा दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद ताहा तफसीलात फराहम नहीं की गई, अदालती हुक्म की तामील ना की गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आला अदलिया से रुजू किया जाएगा, खत का मतन। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब का बयान आईने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है, यह काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। अदलिया के कई फैसले हमारे हक में नहीं थे, हमने अदलिया को धमकियां नहीं दी थी बल्कि फैसला कबूल किया था। बदलती सियासी सूरत हाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज लाहौर में होगा। सूबों में इलेक्शन से मुतल्लिक केस पर ब्रीफिंग ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। मुल्क की मजमू सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। दूसरी जानिब NTMA ने मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है।